नमस्ते दोस्तों, आप हमारे साथ गणेश जी बनाइए जो आसानी से बन जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विवेकी ब्रदर्स। मेरा नाम है विशु। तो दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हमारा 200 वाला वीडियो है। दोस्तों, आज हम गणेश जी बना रहे हैं और हम बहुत डेकोरेटिंग करेंगे। आप लोगों को कोई भी खर्चा नहीं होगा। अब दोस्तों, मैं गणेश जी बनाता हूँ, इको फ्रेंडली गणेश जी। दोस्तों, हमको थोड़े से पीपल के पत्ते चाहिए होंगे बस। और दोस्तों, मुझे ये फूल चाहिए जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं। तो गणेश जी को रेड हाइबिस्कस का फूल बहुत अच्छा लगता था। तो आइए अब देखते हैं कैसे गणेश जी बनेंगे। तो सबसे पहले हमको दोस्तों देखिए, ये गणेश जी की बॉडी है, ये गणेश जी का सर है, देखिए दोस्तों, ये गणेश जी के पैर हैं। देखिए दोस्तों, ये गणेश जी का मैंने दूसरा पैर लगा दिया। तो ये देखिए गणेश जी के कान हैं। देखिए दोस्तों, ये गणेश जी के हाथ हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये लड्डू बनाए हैं। दोस्तों देखिए, मैंने चूहा बनाया है मूसक जी, देखिए मैंने इन्हें यहाँ पे रख दिया है। दोस्तों देखिए, मैंने फूल भी रख दिया है। अब मैं इसमें गणेश जी की आंखें मुंह सब बनाऊंगा। तो मैंने ड्राइंग कर ली है, मैं इसकी आउटलाइनिंग करूंगा। तो मैं गणेश जी की आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे आंख, आईब्रो, सूंड, ब्लैक मार्कर पेन से। तो मैंने अब ड्राइंग कर ली है। दोस्तों, मैं गणेश जी की आईब्रोज कर रहा हूँ। तो मैं ब्लैक ग्रीन स्केच पेन से गणेश जी की मुंह को कलर करता हूँ और रेड कलर का तिलक भी बनाऊंगा। तो गणेश जी की सूंड, आंख, आईब्रो सब बन गई है दोस्तों। अब तो मेरे गणेश जी पूरी तरह से बन गए हैं। और दोस्तों, मेरे भी गणेश जी बन गए हैं। ये देखिए गणेश जी का मुंह, उनकी सूंड, ये देखिए उनके हाथ, उनके कान, उनके पैर, उनका चूहा और ये लड्डू। और देखिए दोस्तों, हमने उनके दांत भी बनाए रखे हैं, एक साइड उनका आधा दांत और एक तरफ उनका पूरा दांत। मुझे तो लगता है दोस्तों, गणेश जी में लड्डू खा के टूट गया है वो वाला दांत। गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है, जिसमें माना जाता है कि गणेश जी अपनी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से धरती पे विराजमान होते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने घरों में और कुछ लोग पांडालों में गणेश जी की मूर्ति को पूजा अर्चना के साथ स्थापित करते हैं। मिठाई और फल फूल उन्हें चढ़ाया जाता है। ये त्यौहार आज से शुरू हो रहा है और यह 21 सितंबर को समाप्त होगा। आज के दिन गणेश जी की स्थापना होती है और 10वें दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। और माना जाता है कि गणेश जी वापस अपने घर कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। पहले तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में ये त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब ये हर जगह मनाया जाता है। इस कोविड की वजह से ये 2 साल में हम अच्छे से गणेश महोत्सव नहीं बना पाए। हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम गणेश महोत्सव बनाए तो बहुत धूमधाम से बनाए। गणेश जी की मूर्ति की जब स्थापना होती है तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 16 प्रकार की रिचुअल्स होती हैं। नारियल, गुड़ और धूप, घास, गुड़हल का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद रोज सुबह और शाम आरती की जाती है। इस उत्सव में विशेष किस्म की मिठाई, जिसे मोदक बोलते हैं, वो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। मराठी में और कोंकणी में इसे मोदक कहते हैं, तेलुगु में कुडुमू, कन्नड़ भाषा में मोटका कहते हैं और तमिल में मोडगम बोलते हैं। मोदक एक डंपलिंग होता है जो चावल के आटा और गेहूं के आटे से बनता है, जिसमें गुड़ और कोकोनट और ड्राई फ्रूट को स्टफ करा जाता है। फिर इसे स्टीम या फिर फ्राई भी करा जा सकता है। अलग जगह में अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सुहे मूस के सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेरे।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंजन को आँख देत कोल में को खाया, आजन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंजन को आँख देत कोल में को खाया, आजन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े आर चढ़े मेरा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा, माता रती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो। तो उम्मीद की दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों अपनी सब्सक्राइब आप सीधे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा सब्सक्राइब करिएगा, वो फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। प्लीज आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। नमस्ते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया।